गाइस वेलकम बैक टू कैंडी फिल्स। तो आज हम निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए। तो अभी बज रहे हैं 5 o'clock। तो हमें कुछ चीज़ें लेना है और मेन चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ खाओ गली जहाँ पे हम इफ्तार करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो मेरा भाई अभी गाड़ी निकालने वाला है, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, लेट्स गो। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बॉम्बे और अभी हो रहे हैं 6:50 और इफ्तार का टाइम भी हो चुका है। तो अभी हम गाड़ी में बैठ के ही रोज़ा खोल रहे हैं। तो उसके बाद में हम जाएंगे खाओ गली मोहम्मद अली रोड। तो लेट्स गो। सो अभी हम गाड़ी पार्क करके वॉकिंग जा रहे हैं और रमजान में देखो यहाँ पर कितने सारे रेडीमेड कपड़े मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते आ गई शालीमार और इसका खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप यहाँ पर आके खाना खा सकते हो। देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा रश और कितना बड़ा मार्केट है यहाँ पे। सो ये है मोहम्मद अली रोड की मीनारा मस्जिद। यहाँ पे आपको खाने के लिए एक से एक आइटम्स मिलेंगे। सो हमारा फेवरेट है जबान का सूप जो मिलेगा हमें बड़े मियाँ में। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे जनता आ गई और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी फूड आइटम्स हैं। देखो यहाँ पे शौरमा भी है, आप शौरमा भी खा सकते हो। तो चलते चलते हम आ गए बड़े मियाँ में। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भेजा फ्राई, गुर्दा मसाला, पाए का सूप, चिकन मसाला, चिकन का सूप और बहुत सारे चीज़ें मिलती है। और यहाँ का स्पेशल जबान सूप है। तो चलिए जल्दी से उसे ऑर्डर करते हैं। वाह देखो कितने बड़े पतीले में बना है जबान का सूप और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ओह माय गॉड, वाओ। ये देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे चिकन मसाला भी है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारा जबान का सूप आ गया और देखो गाइस कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह। तो आप इसे पाव के साथ में भी खा सकते हो और ऐसे ही खा सकते हो। तो जबान के सूप के साथ में हमने ऑर्डर किया था गुर्दा मसाला और देखो ये भी कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो अभी तरावीह का टाइम हो चुका है, तो चलो हम चलते हैं मस्जिद में। तो अभी हम पहुंच गए क्रॉफर्ड मार्केट। यहाँ पे डेकोरेटिव सामान मिलते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो हम पहुंच गए जुमा मस्जिद। तो देखो माशाल्लाह ये कितनी बड़ी मस्जिद है। आप यहाँ पे आराम से नमाज पढ़ सकते हो। इस मस्जिद में लेडीज लोगों के लिए नमाज पढ़ने का भी इंतजाम है। आपको क्या लगा, वीडियो खत्म हो गया? तो नहीं, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय।